महतारी। तो प्रसन्नता किसको हुई जल्दी बोलो, भक्त कौशल्या क्या है, भक्त ही तो है कौशल्या। तो भक्त को भगवान रो रहा है तो भक्त के आंसू किसने ले लिए, भक्त के आंसू भगवान ने ले लिए। और जब भगवान रोने लगा भक्त के आंसू, तो उस लीला का आनंद भक्त लेता है और प्रसन्न होता है। तो सीधी सी बात यह है कि भक्तों के आंसुओं को लेने के लिए भगवान अवतरित हुए, भक्तों के दुख को लेने के लिए, उसके दुख का हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए जीवन में हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जीवन में हमें भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं। अगर हम भगवान बन गए तो भगवान भगवान के पास, क्योंकि एक ही भगवान भगवान कहेंगे, जब तुम ही भगवान हो तो हमारी क्या जरूरत है। लेकिन तुम यदि भक्त बन गए तो सावधानी से सुनना, भगवान स्वयं आएंगे, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने के लिए आएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का फिर एक श्लोक सामने आ गया, अनन्यास चिंतियंतो माम ये जनः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अब जब तुमने पूरा समर्पण मेरे चरणों में कर दिया है, मेरे लिए कर दिया है, तो अब मैं स्वयं आ रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा संपूर्ण योगक्षेम मैं वहन करूंगा। ये श्रीमद् भगवत गीता का सार्थक आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तो ध्यान से सुनना, भक्त बहुत बड़ी अहम भूमिका का निर्वाह करता है। एक दोहा है बहुत महत्वपूर्ण, बोले ये चार कौन कौन, बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चार हैं। पहला नाम किसका आया बोलो, इसमें भगवान का आया है कि भक्ति का आया है कि गुरु का आया, भक्त का आया है इस दोहे में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबू एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, इसमें भक्त पहले आया है। बोलो आया भक्त कि नहीं। इसका मतलब है हम सबको क्या बनना है, भक्त बनना है। जब भक्त हम बन जाएंगे तो भक्ति आएगी मेरे पास, भगवान भी आएगा मेरे पास और गुरु भी मेरे पास आ जाएगा। बनना क्या है हमें, भक्त बनना है। इसलिए भक्तों के कारण जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाणि असुर अधम अभिमानी, पाणि असुर अधम कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान का अवतार सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए होता है। भगवती पार्वती जी ने फिर विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज वो अयोध्या में ही क्यों आ रहा है। नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा ने तपस्या की तब भी वहां आया, लेकिन वचन दे के चला गया कि अब मैं पुत्र बन के आऊंगा अयोध्या में। अरे वहां वहीं पुत्र बन जाता, वहीं रह जाता, क्या दिक्कत की बात थी, लेकिन अयोध्या में आना पड़ रहा है, कारण क्या है। अब देखो शास्त्र का जो मत है उसको मैं बता रहा हूं। नैमिषारण्य में केवल एकमात्र शत्रुपा है महाराज मनु के पास। कौन है? शत्रुपा। लेकिन वही मनु जब दशरथ बने तो उनके पास एक पत्नी नहीं, तीन पत्नियां आई। बोलो आई कि नहीं। हमारे यहां बहु पत्नी प्रथा नहीं है,
हमारे यहाँ एक नार व्रत, राम का सिद्धांत यही है। ये तो राजतंत्र में बहुपत्नी प्रथा थी, लेकिन राम तंत्र में राम राज्य में एक पत्नी प्रथा, और हम लोग उसी को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बोलो, हम राजा दशरथ की परंपरा मान रहे हैं कि राजा राम की परंपरा मान रहे हैं? राजा राम की परंपरा मान, इसलिए एक नार वृत्ति है, वो होना भी चाहिए, यही परम धर्म कहता है। लेकिन यहां भगवान ने महाराज मनु को स्वीकार तो कर लिया, शत्रुपा जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्यारे यहां महाराज मनु को आश्वासन देकर के चले गए भगवान कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन कहां आऊंगा? जब आप अयोध्या के राजा होंगे तब मैं पुत्र बन के आऊंगा। अच्छा भैया, अयोध्या के राजा बन गए महाराज दशरथ, महाराज मनु ही बन गए, दशरथ बन गए, लेकिन दशरथ जी के तीन रानियां, तीन विवाह हुए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, दो विवाह क्यों नहीं हुए, तीन विवाह ही क्यों हुए, एक विवाह से संतुष्ट क्यों नहीं हुए? महाराज जी दशरथ क्या हैं? बोले दशरथ जी महाराज भक्त हैं, भक्त हैं दशरथ जी। प्रमाण क्या है कि दशरथ जी भक्त हैं? बोले अबधपुरी रघुकुल मणिराऊ, वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। भक्ति जिसके हृदय में है वो भक्त है। तो दशरथ जी महाराज भक्त हैं, भक्त ने तीन विवाह किए। किसी ने कहा कि संतान के अभाव में, भाई कौशल्या जी के साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हुई तो समस्या खड़ी हो गई, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह किया केकई जी के साथ, केकई से संतान नहीं हुई, तीसरा विवाह किया सुमित्रा के साथ, सुमित्रा। अब संतान के लिए विवाह किया तो जब तीन पत्नियों से संतान नहीं हुई तो चौथा विवाह क्यों नहीं किया? भाई संतान हो ही नहीं तो संतान विवाह करने से ही अगर होती है तो चौथा विवाह करना चाहिए था, लेकिन तीन विवाह किए, बस तीन के बाद चौथा विवाह नहीं किया, तीन ही किए कि नहीं? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। याद रखना, ये देखने में लगती हैं कि तीन पत्नियां हैं, ये तीन पत्नियां नहीं है, ये भौतिक दृष्टि से लोगों को लगता है कि ये पत्नियां हैं, ये तीन मार्ग हैं। ये क्या है? तीन मार्ग, तीन मार्ग। तो मार्ग चार नहीं होते हैं क्या? मार्ग पांच भी होते हैं, मार्ग छह भी होते हैं, चाहे जितने मार्ग बनाते चले जाओ, लेकिन तीन ही मार्ग। अरे भैया, मार्ग तो हजारों बन जाते हैं, लेकिन वेद ने केवल तीन मार्गों का निर्माण किया है, चौथा किसी मार्ग का निर्माण नहीं किया। वेद ने केवल तीन मार्ग का निर्माण, चौथा किसी मार्ग का निर्माण नहीं हुआ। ये निर्माण किसने किया तीन मार्ग का? वेद ने किया है। तो वेद कौन है? बोले वेद दशरथ हैं। प्रमाण क्या है कि दशरथ वेद हैं? अध्यात्म रामायण को उठाइए आप, अध्यात्म रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी क्या हैं? बोले साक्षात वेद, वेदो दशरथो नृपा, साक्षात वेद हैं। अध्यात्म रामायण हमारे यहां प्रमाणित है, समझ गए हो कि नहीं? रामायण शतकोट अपारा, 100 करोड़ रामायण है, अध्यात्म रामायण भी एक है उसमें। तो कहा वेदो दशरथो नृपा, तो ये तीन महारानियां क्या हैं? तब कहा ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च केकेयी, वेदो दशरथो नृपा। बोले कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ये ज्ञान के स्वरूप में। अच्छा, ज्ञान के रूप में कौशल्या, तो सुमित्रो उपासनात्मिका, सुमित्रा उपासना है, तो केकई क्या है? क्रिया शक्तिश्च केकई, ये केकई क्रिया है। तो मार्ग तीन है, कौन कौन? वेद में, वेद में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग, ये तीन ही मार्ग हैं, चौथा कोई मार्ग नहीं है, केवल तीन मार्ग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अयोध्या में तीन मार्गों का निर्माण हुआ है, नैमिषारण्य में नहीं हुआ था तीन मार्गों का निर्माण, लेकिन अयोध्या में तीन मार्गों का निर्माण हुआ है। बोले ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कौशल्या, और कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है केकई, और उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है सुमित्रा। इसलिए तीन मार्ग हो गए ना,
भगवान जब तक ये तीन मार्ग का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक भगवान नहीं आते हैं। मार्ग बनेगा तभी ना भगवान आएंगे, जब रास्ता ही नहीं है तो आएंगे कहां से। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कथा हो रही है तो एक मार्ग बनाया ना प्रवेश द्वार, तो सबको मालूम है कि इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे तो जहाँ कथा हो रही वहां पहुंच जाएंगे, और अगर प्रवेश ही द्वार नहीं होता तो यहाँ कथा होती रहती, कोई आता नहीं, क्योंकि कैसे आते जब रास्ता ही नहीं है पहुंचने का। तो प्रवेश मार्ग, आपने एक प्रवेश मार्ग से प्रवेश किया है और आप कथा स्थल तक पहुंच गए। ऐसे ही भगवान आता तो है, लेकिन भगवान कहता शर्त एक है, तब आऊंगा जब पहले मार्ग का निर्माण करो, और जब तक मार्ग का निर्माण नहीं होगा तब तक हम आने वाले नहीं हैं। तो महाराज श्री दशरथ ने तीन मार्गों का निर्माण किया है, मनु जी ने तीन मार्गों का निर्माण, क्योंकि पहले तो ब्रह्मवाणी हुई थी और सीधे भगवान प्रकट हो गए थे। बोलो भाई आ गए थे कि नहीं आ गए थे नैमिषारण्य में। नील सरोरोह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाजे तन शोभा नरक कोटि कोटि शतकाम, भगवान प्रकट हो गए थे। लेकिन सत्य तो यह है प्यारे कि आज महाराज श्री दशरथ को मनु जी ने जब दशरथ का रूप धारण किया तो दशरथ जी को तीन मार्गों का निर्माण करना पड़ा। तो यहाँ तीन विवाह तो लोक दृष्टि से विवाह हुए हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि दशरथ की बहुपत्नी प्रथा के अनुयायी नहीं थे दशरथ जी महाराज, तो तीन मार्गों का निर्माण कर रहे थे, इसलिए तीन मार्गों का निर्माण हुआ प्यारे। वो तीन मार्ग कौन कौन है बस एक बार फिर सुन लीजिए, वेद के तीन मार्ग हैं, कौन कौन है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। इसलिए बहुपत्नी प्रथा का पोषक नहीं है अयोध्या का रघुवंश, समझ गए हो कि नहीं, यहाँ समझने की जरूरत है। लोग पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, इस तरह से दशरथ जी ने तीन तीन विवाह किए, बताइए राम जी वहाँ आ गए, राम जी को सोचना चाहिए था। चरित्रवान वो है जो एक पत्नी व्रती होता है उसको चरित्रवान कहते हैं, यहाँ तीन तीन विवाह कराए और राम जी आ गए, ये दुनिया पता नहीं क्या क्या लोग कहने लगते, गलत। यहाँ दशरथ ने विवाह नहीं किए हैं तीन, बल्कि तीन मार्गों का निर्माण किया है प्यारे, बोलो किया है कि। और याद रखना उद्देश्य ये भी नहीं है दशरथ जी का कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, पत्नियों से पुत्र की प्राप्ति हो, बल्कि इन तीन मार्गों के माध्यम से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, ये उद्देश्य महाराज दशरथ का है। किसकी प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति। अब इसके आगे एक कथा आती है क्या कि महाराज दशरथ की 60,000 साल की आयु होती है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है, और जब 60,000 वर्ष की आयु हुई तो उसी समय देखिए जवानी में ये भाव नहीं आया, लेकिन जब 60,000 साल की उम्र हुई तब संतान की कामना व्यक्ति यौवन में करता है कि नहीं करता है बोलो, और यौवन जब चला जाता है बुढ़ापा आ जाता है तो फिर वो संतान की कामना नहीं रह जाती है प्यारे। लेकिन 60,000 साल की आयु में महाराज श्री दशरथ महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार 60,000 वर्ष की आयु में दशरथ जी महाराज रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं अब सुनिए जरा। के एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतनाही, ऐसी गलानी हुई 60,000 साल में कि भई गलानी मोरे सुतनाही। अब आप कहोगे महाराज फिर ये स्पष्ट तो लिखा है कि पुत्र नहीं है इसकी गलानी हो रही, अगर पुत्र नहीं है और इसकी गिलानी है पुत्र की कामना है तो मैं एक बात कहता हूं, पुत्र की कामना केवल पुरुष में ही होती है कि स्त्री में भी होती है, जल्दी बोलो, पुत्र की कामना दोनों में होती है कि नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र की कामना मात्र पुरुष करे या स्त्री करे, नहीं, स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी दोनों में पुत्र की कामना रहती है। लेकिन यहां गोस्वामी जी दशरथ जी की बात लिख रहे हैं, कौशल्या जी का नाम नहीं आया है, बोलो ना केकई का नाम आया है और ना सुमित्रा का, किसी भी रामायण में नहीं आया है, कहीं ना केकई ने इच्छा व्यक्त की, ना सुमित्रा ने इच्छा व्यक्त की और ना कौशल्या ने इच्छा व्यक्त की,
यहाँ इच्छा व्यक्त किसने की? बोले एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलान मोरे सुत नाही। चलिए मैं ये मानता हूं कि यहाँ इच्छा तो केकई की, कौशल्या सुमित्रा की रही होगी, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने दशरथ जी को आगे कर दिया है, चलिए मैं ये मानता हूं। लेकिन पुत्र की कामना को लेकर के कहाँ गए महाराज दशरथ? वैसे तो नियम यह है कि संतान नहीं होती है तो प्रथम दृष्टया लोग वैद्य का सहारा लेते हैं, औषधि का सहारा लेते हैं, वैद्य का सहारा लेते हैं। लेकिन अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, उन्होंने राज वैद्य को नहीं बुलाया, न किसी औषधि का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? गुरु का सहारा लिया, गुरुद्वारे में गए। अच्छा मैं ये मानता हूं कि गुरुद्वारे में इसलिए गए होंगे गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो संतान हो जाएगी। लेकिन संतान की कामना दोनों के जीवन में होती है कि नहीं होती है? जब कोई गुरुद्वारे में भी जाता है संतान की समस्या लेके, गुरु के पास जाता है या देवालय में भगवान के पास जाता है, तो अकेला नहीं जाता है, पति पत्नी दोनों जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दोनों पति पत्नी दोनों ही जाते हैं, क्योंकि संतान की आवश्यकता दोनों को है, संतान की आवश्यकता दोनों को है प्यारे। अब आप समझने की कोशिश करना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि एक घंटा मात्र 6:30 बज गया है, ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे तक जन्मोत्सव कराएंगे। आज कुछ बधाइयां भी होंगी, कुछ बधाई गीत होंगे, भगवान का अभिषेक होगा, जन्म होगा, जन्म के साथ बधाई गीत होंगी, बधाई गीत में आप सब उत्सव का आनंद लेंगे, है ना, और फिर प्रसाद भी बटेगा तो वो तो 7:30 तो वैसे भी बच जाएगा, है ना। तो अभी मात्र एक घंटा हमारे इस टाइम के मुताबिक एक घंटा है। चलिए फिर ठाकुर जी की इच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके संकेत का भी स्वागत है और ठाकुर जी की फिर इच्छा है, लेकिन आए अभी तो महाराज दशरथ जा रहे हैं, अभी तो जा ही रहे हैं। लेकिन संतान की इच्छा लेकर के अगर जा रहे हैं तो गुरु जी के पास भी जा रहे हैं, तो कौशल्या जी के साथ जाना चाहिए था या तीनों महारानियों को साथ लेके जाना चाहिए था? लेकिन अकेले गए, कभी भी अकेले कोई नहीं जाता, जब पत्नी है तो सपत्नी जाएंगे, क्योंकि संतान की इच्छा है, दोनों को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यहां अकेले गए, एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलान मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह गए ऊ तुरत मही पाला, ओ चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। वशिष्ठ जी जब आते थे राजमहल में तो अपनी समस्या वहीं रखना चाहिए था, अलग से क्यों गए, अकेले क्यों गए? वशिष्ठ जी महाराज नित्य आते थे राजमहल में जरूर, क्योंकि कुल पुरोहित है, वहां तो नित्य पूजा होता था, पूजा पाठ होता था, बिना कुल पुरोहित के कोई पूजा पाठ राजाशाही परंपरा में है क्या? आप लोग अपने घरों में बिना पुरोहित के पूजा नहीं करते हो? क्योंकि अब तो घर घर में सब राजा हैं, अपने अपने घर के तो सब ही राजा हैं, क्यों भाई राजतंत्र खत्म हो, अब तो अपने अपने घर के सब राजा हैं। इसलिए पुरोहित कर्म जब वशिष्ठ जी करते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज को तो स्वयं आना चाहिए था, आते ही थे, लेकिन आज आ रहे होंगे ये इंतजार नहीं किया, आज मुझे स्वयं जाना है। इसलिए प्यारे कि जब परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि गुरु मेरे पास आवे, हमें गुरु के पास स्वयं चल के जाना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। भाई भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन, भगवान भाव के वशीभूत हैं, यदि भाव अच्छा होगा तो भगवान आएंगे। रुपया पैसा राज वैभव के कारण भगवान नहीं आते हैं, हाँ कितना ही वैभव किसी के पास हो भगवान को कुछ लेना देना नहीं, संसार भर को वैभव तो भगवान ही दे रहे हैं, भगवान को तुम क्या दोगे? बोलो भाई ये वैभव जिसको जो मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है? भगवान के द्वारा मिल रहा है, इसलिए देने वाला भगवान है, भगवान के सामने ये वैभव का प्रदर्शन तो होता ही नहीं ना, करना चाहिए, लेकिन भाव लेकर के जाना चाहिए, भाव के वशीभूत भगवान है। तो दशरथ जी भाव लेकर के गए, गुरु जी के यहां स्वयं जाना चाहिए, क्यों? प्राप्ति किसकी, पुत्र की प्राप्ति करना है कि भगवान की प्राप्ति करना है?
भगवान की प्राप्ति। अच्छा 60,000 साल की आयु में संतान की प्राप्ति करना है कि भगवान की प्राप्ति करना है? भगवान की प्राप्ति करना है। संसार में कोई अज्ञानी से भी अज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापे में यह कामना किसी की नहीं रहती है कि संतान, ये नियम ही नहीं है। आशा निराशा में बदल जाती है अवस्था निकलने पर। महाराज दशरथ जैसा ज्ञानी तो संसार में कौन होगा प्यारे, इसलिए सोचना ही नहीं है कि संतान की कामना लेकर के गए। और संतान की कामना लेके जाते तो याद रखना पत्नियों को साथ लेके जाते, अकेले गए हैं। जैसे ही पहुंचे गुरुदेव बैठे हुए हैं, साष्टांग प्रणिपात किया। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ आज तुम बहुत उदास हो, ऐसी उदासीनता तो हमने कभी नहीं देखी जो आज देख रहा हूं। कारण क्या है, कोई समस्या आ गई क्या, क्या प्रजा ने कोई बगावत कर दी, या कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है तुम्हारे अंदर, कारण क्या है? दशरथ जी ने कहा महाराज राज्य की प्रजा तो मेरे अनुकूल है, निरोगी काया है, कहीं कोई रोग नहीं। तो जब काया निरोगी है, अनुकूलता है प्रजा की, तो उदास क्यों हो? महाराज प्रजा अनुकूल रहे, निरोगी काया रहे, ये सब कुछ रहे, लेकिन लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों लगाया तू? कहे महाराज मुझे आज यह शंका हो रही है, क्या कि परमात्मा सत्य स्वरूप है कि नहीं? हाँ है, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। लेकिन आज मैं इसलिए व्यथित हूं कि सब कुछ मेरे अनुकूल है, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं कि परमात्मा, आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है कि सत्य स्वरूप परमात्मा आज असत्य का स्वरूप बन रहा है। क्यों, कैसे परमात्मा कैसे असत्य का स्वरूप, परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, कैसे असत्य का स्वरूप? कहा महाराज मैंने तपस्या की और मुझे परमात्मा ने वचन दिया था, वचन दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन 60,000 साल की आयु हो गई, अभी तक वो नहीं आया, तो इसका मतलब मुझसे झूठ बोला। और सत्य ही जब असत्य का सहारा लेगा तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि अब संसार में कुछ नहीं रहेगा। और चिंता मुझे इस बात की है क्योंकि संसार में जितने भी हैं सब मनु की संतान हैं, मेरी ही तो संतान है। दशरथ जी कहते महाराज मनु, मैं मनु हूं, तो ये संतानें किसकी हैं, जल्दी बोलो, मनु की। और यदि ये सृष्टि रसातल में चली जाएगी तो बोलो सबसे ज्यादा चिंता किसको होगी, महाराज मनु को होगी। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ उदास होने की जरूरत नहीं है। महाराज उदास तो क्योंकि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये उदासीनता दूर नहीं हो सकती है। क्या मैं तुम्हारी उदासीनता दूर कर रहा हूं? 60,000 वर्ष की आयु हो गई तुम्हारी, 1 करोड़ वर्ष के भी हो जाना तुम, मेरी दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है कि तुम आयु वृद्ध हो जाओ। क्योंकि तुम स्वस्थ हो तो स्वस्थ व्यक्ति अगर आयुष्मान हो, क्यों भाई, स्वस्थ व्यक्ति अगर स्वस्थ हो व्यक्ति, और स्वस्थ व्यक्ति दीर्घायु हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। दीर्घायु हो, आयु बढ़ जावे, बीमारी बनी रहे, तो क्या मतलब ऐसी जिंदगी जीने से? स्वस्थ दीर्घायु हो, 1 करोड़ वर्ष तक तुम्हारा जीवन हो। जिए हैं अवधपति बरस करोरी, लिखा है रामायण में, अयोध्या वासी भी यही कामना कर रहे हैं ना, जिए हैं अवधपति बरस करोरी, 1 करोड़ साल तक हमारे महाराज जिंदा रहे, हमारी ये कामना है। अभी 60,000 साल के हुए, 1 करोड़ साल तक जिंदा रहे, ये पूरी अयोध्या की जनता कह रही है, वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं इस बात को। लेकिन महाराज समस्या तो बनी की बनी रही, क्या करेंगे जिंदा रह के? भगवान न मिले जीवन में तो जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है। सब कुछ मिल गया लेकिन भगवान नहीं मिला। एक बात मैं कहता हूं, भगवान ना मिले लेकिन भगवान का नाम ही लेते रहो भैया तो कल्याण हो जावे। भगवान ना मिले लेकिन भगवान का नाम इस जीवा से लेते रहना। लेकिन लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, किसी से कहो कि भगवान का नाम, अरे अभी बुढ़ापा थोड़ी आया है, जब बूढ़ा होऊंगा तब भगवान का नाम लूंगा, अभी तो काम करूंगा अपना। अरे तो काम करने से कौन रोक रहा है भाई, काम करते रहो लेकिन वाणी से राम का नाम लेते रहो।
संत तुकाराम की पत्नी और तुकाराम जी, ये दोनों पति पत्नी दोनों, भक्तमाल की कथा है, ये दोनों जो है काम हाथों से करते थे, लेकिन भगवान का नाम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वाणी से यही कहते रहते थे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए रोक, आप व्यापार कर रहे हैं व्यापार करिए, लेकिन आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम सतत रहे, क्योंकि मृत्यु कभी किसी क्षण आ सकती है प्यारे, इसलिए सतत हरि स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का नाम सदा लेते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, बोलो आ सकती है कि नहीं। जब मृत्यु कभी भी आ सकती है तो हमें भगवान का नाम लेने से चूकना नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम प्रदर्शन में नाम लें, हम मन ही मन नाम लें, ये आवश्यक नहीं है कि हम बहुत जोर जोर से बोल करके नाम लें, हम वाणी से अंदर ही अंदर हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम सीताराम सीताराम राधे श्याम, इस इष्ट को मानते हो उसका स्मरण करते रहो। तुकाराम जी और उनकी पत्नी धनाबाई यही तो करती थी, हमेशा जो काम करे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीवालों से उसके यहाँ ये मंत्र की आवाज गूंज गई थी, दीवाल संत आते थे तो दीवालें पहले कहती थी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीवालें इनमें जड़ता है प्यारे, लेकिन मंत्र के प्रभाव से चैतन्यता आ गई दीवालों में, और दीवालें हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिसमें धनाबाई तुकाराम हाथ लगा देते थे उस वस्तु में वो मंत्र का समावेश हो जाता।